हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तनु पंकुरी तिवारी। रोज़ की तरह पहले मैं सुबह उठकर नहा धुआ कर पूजा करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल की आरती वगैरह की। उसके बाद फटाफट मैंने बनाया नाश्ता, क्योंकि जीजा जी काफ़ी देर से उठे हुए थे। इनको छिलका बहुत पसंद है। छिलका जो कोई जानता है और जो कोई नहीं जानता, मैं उसको बता दूँगी कि छिलका कहते हैं चने की दाल और चावल को भिगो करके बनती है। उसके साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी। फिर उसके बाद यहाँ सक्षम अपनी मम्मी के साथ खेल रहा है, और हम और हमारे पति देव ने भी छुट्टी ले रखा था, मतलब 3-4 दिन के लिए हमारी ननदाई थी, तो काफी ढेर सारी मस्ती हम साथ में मिलकर करते हैं। सुबह से उठ जाए तो इतना काम, सच क्या ही बताऊं, लेकिन हम सब साथ मिलकर अपना काम कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। माँ हो या दीदी हो, सब बहुत ही केयरिंग है। ये सोचते हैं कि लोग ज्यादा हैं तो काम ज्यादा है, तो साथ में मिलकर काम करते हैं, ढेरों मस्ती हमारी होती है। काफी दिन बाद आए भी हमारी दीदी, ये हमारे भांजे साहब हैं सक्षम, जिसके साथ खेलने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मामी मामी करता है, बहुत ही प्यारा है हमारा भांजा। ये देखिए मेरी फोटो और वीडियो शूट कराया, कहता है मामी सेल्फी सेल्फी। तो उसके बाद हम निकल पड़ते हैं। कहाँ, मैं आपको ये बाद में बताऊंगी, वर्षों का सपना हमारा होने वाला है सच। लेकिन कोई भी शुभ काम करने से पहले यहाँ पर हम मंदिर में आते हैं, सोमेश्वर महादेवन, जो कि हमारे घर की कुछ दूरी पर है, दर्शन करते हैं। और ये मंदिर हमारे लिए बहुत ही बहुत स्पेशल है। मैं और हमारे पति देव पहली बार यहाँ पर मिले थे और यहीं से हमारी शादी फिक्स हुई थी, तो ये स्पेशल है। तो कहते हैं कुछ काम को करना है तो पहले हम दर्शन करते हैं, बाद में कुछ काम करते हैं। और क्या है हमारा सपना जो कि पूरा होने वाला है इस ईयर या नेक्स्ट ईयर, लेकिन हाँ शुरुआत हो गई है, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप घर बैठे दर्शन करिए महादेव के, फिर मैं आपको बताती हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, ढेर सारा एंजॉय मेरे साथ साथ आप भी करिएगा। हाँ बेटा बेटा बेटा, सरप्राइज होता है खत्म, और हम पहुँच जाते हैं अपने सपनों के घर को देखने के लिए। माँ बहुत दिनों से परेशान थी कि तनु मायके से आए और दीदी भी आ जाए, मतलब बड़ी दीदी तो यहीं पर रहती है, छोटी दीदी आ जाए, जीजा जी आ जाए। कहते नहीं, जब किसी काम को करना होता है तो पूरे परिवार की सहमति भी बहुत ही ज़रूरी होती, और ख़ासकर हमारी माँ ऐसी हैं, वो हर कुछ काम करने वाली होती तो सबसे पूछती हैं क्या सही है क्या गलत है। कहती हैं कोई भी काम इकट्ठा करने से क्लियर हो जाता है, वरना कन्फ्यूज़न रहता है ऐसा करना वैसा करना है। तो हम लोग चले जाते हैं अपने फ्लैट को देखने के लिए, ये जो पिछले साल ही माँ ने बुक करा दिया था और जीजा जी ने सबने मिलकर, ये हमें नेक्स्ट ईयर मतलब रिसीव होगा, इस ईयर तो नहीं लेकिन बहुत दिनों बाद ये सपना होता है सच। तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, ये फ्लैट बहुत ही अच्छा लगा। मैंने थोड़ा बहुत ही दिखाया वीडियो में, बाकी मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। ये देखिए बहुत ही स्पेसफुल है, मुझे ये मतलब यहाँ का जो बैकग्राउंड है मुझे बहुत ही प्यारा लगा। आपको कैसा लगा कॉमेंट में बताइएगा, और पहले चलिए अपने दीदी लोग से राय लेते हैं। कैसा लगा आपको फ्लैट? बहुत अच्छा लगा आपको? स्पेसफुल है,
बड़ी दीदी काफी खुश है इसका मतलब। और अपनी माता जी से पूछते हैं आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, हमारे गार्जियन को अच्छा लग गया, मतलब सबको अच्छा लग गया। पंखुड़ी और सक्षम से चलिए पूछते हैं। ये देखिए बहुत ही स्पेसफुल है, ठंडी ठंडी हवा भी, फ्लैग को देख के आपको पता चल रहा होगा कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस बहुत ही जल्दी ये सपना होने वाला है सच। बहुत दिनों से माँ इंतज़ार कर रही थी कि सब लोग इकट्ठे हों, फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तब ये हमारा काम पेंडिंग का था। तो मैंने आज देखा, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, मतलब काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। क्यों ना हूँ, सबको अच्छा लगता है जब कोई भी काम हमारा आगे बढ़ता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो आप हो या मैं हूँ। उसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं यहाँ पर, फिर दीदी आइसक्रीम वगैरह खाती हैं और फोटो वगैरह हम शूट कराते हैं, गंगा जी के दर्शन करते हैं। आई होप प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइएगा मेरा प्यारा सा फ्लैट आप सभी को कैसा लगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।